हेलो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास टेंथ फाइनली आपका नाइन्थ हो चुका है और हम टेंथ क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी टेंथ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बहुत सारे उसमें चैप्टर्स हो अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स हैं एंड ट्रस्ट में इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग जर्नी टेंथ की तो जैसे मैं हमेशा पढ़ाती हूँ उसी तरीके से हमारा सिस्टम चलेगा पीपीटी आपको स्क्रीन में दिखेगी जिसको आप पॉज करके करके नोट्स बना सकते हो इफ़ यू वांट टू मेक सम नोट्स क्योंकि ये पूरा मैंने अलग अलग नोट्स को कंबाइन करके सीबीएसई के टेक्स्ट बुक्स वगैरह वगैरह से कम्बाइन करके मैं पी के माध्यम से आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ एक बस यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है या फिर सूचना है क्योंकि पहले किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप हिंदी में पढ़ाते हो तो आप पूरी जो पीपीटी है वो भी हिंदी में एक्सप्लेन करो या फिर जो डेफिनेशंस मैं इंग्लिश में बता रही हूँ उसको आप हिंदी में बताओ तो मैं यहाँ पे बस अनाउंसमेंट ये देना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ बेसिकली इंग्लिश मीडियम को फॉलो करती हूँ मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है वो इंग्लिश की है लेकिन बच्चों को ढंग से समझने के लिए मैं ये मानती हूँ कि अपनी भाषा से सबसे अच्छा समझ आता है तो इसलिए समाज समझने का और समझाने का मेरा जो मीडियम है जो लैंग्वेज है वो मेरी हिंदी है तो इसलिए आपको इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आप समझ सकते हो हिंदी मीडियम से हो तो भी समझ सकते हो बट तो ऑब्वियसली जो नोट्स वगैरह है वो मैं इंग्लिश में ही प्रोवाइड कर सकती हूँ हिंदी में मैं क्योंकि फॉलो नहीं करती हूँ हिंदी मीडियम को तो इसलिए मैं हिंदी में नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ इंग्लिश मीडियम में भी हम समझते और सच और सोचते पूरे हिंदी में ही है तो इसलिए इट्स यू नो बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए तो इसलिए मैं हिंदी का प्रयोग करती हूँ समझ समझाने के लिए और बाकी जो नोट्स है वो आपको इंग्लिश में है पीपीटी को आप पॉज करके आराम से नोट्स वगैरह जो है आप लिख सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है टेंथ का विच इज लाइफ प्रोसेस देखेंगे अभी, जैसे हम अभी अभी चली रहे तो सबसे पहले हम ना इसमें इंट्रोडक्शन अलग देखेंगे की कौन से कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में फाइनली हम प्लांट्स का अलग सेक्शन है फिर ह्यूमन बींग्स का कैसे है वो अलग है रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन तो इस तरीके से मैंने जो है चैप्टर को डिवाइड कर रखा है और ये जो है ये भी अलग अलग पार्ट्स में जाएगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और छोटे छोटे पार्ट्स में आप आराम से देख सकते हो तो ऑब्वियसली ये पार्ट्स में जाएगा सो यू हैव टू बी यू नो यू हैव टू बी अपडेटेड विद द चैनल ताकि आपको जो है नए नए पार्ट्स आते रहें एंड फाइनली हम एक पूरा लंबा सेगमेंट भी देंगे जिसमें सारे के सारे पार्ट जो है कवर है ताकि चैप्टर जो है एक ही लॉन्ग स्ट्रेच में आप देख सकते हैं सो so, सबसे पहले तो हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे थे बायो का फर्स्ट चैप्टर है तो लाइफ प्रोसेस में जैसे लाइफ प्रोसेस जो समझ समझना है उससे पहले हम ये समझने की सबसे पहले कोशिश कर लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ को कैसे बताएंगे कि भाई ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है ये चीज़ जीवित है या फिर जीवित नहीं है कैसे पता चलेगा हमें कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है अब आप बोलोगे भाई देख के समझ आ जाता है ये जो सोफा है ये चेयर है जिसमें मैं बैठी हूँ लैपटॉप है बुक है ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है पर ये प्लांट है मैं खुद हूँ आप लोग जो वीडियो देख रहे हो हम सब लिविंग थिंग्स हैं है ना तो कैसे बट कैरेक्टराइज कैसे कर पाते हैं हम कैसे समझ पाते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या फिर कोई भी चीज नॉन लिविंग है इसकी बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ऑब्वियस है कि हमारे दिमाग में आता है बट इतना सिंपल क्वेश्चन है कि हम यू नो आंसर करने में हो जाते हैं कि यार क्या आंसर दे इसका क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत सिंपल चीज़ है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने में सबसे पहले तो लिविंग थिंग्स जो है एकदम आंखें बंद करके हम बता सकते हैं कि भाई लिविंग थिंग्स मूव कर सकती है ये ग्रो कर सकती है ये डेवलप हो सकती है लिविंग थिंग्स जितने भी है प्लांट एनिमल्स जितने भी ऑब्वियस है कि वो वो मूव करते हैं ग्रो करते हैं प्लांट्स भी तो ग्रो करते हैं उसके बाद जो लिविंग थिंग्स है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की वो बात कर सकते हैं ये सोफा चेयर ये सब तो बात ही नहीं कर सकते तो बात कर सकते हैं रिस्पायर कर सकते हैं वो सांस लेते हैं हर हर ह्यूमन बीइंग हर एनिमल हर प्लांट कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से रिस्पायर तो करता ही है उसके अलावा उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फूड वाटर शेल्टर सर्वाइवल इन सब के चीज़ें चीज़ों के अराउंड लिविंग बींग्स जो हैं वो घूमते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स तो ऐसे नहीं रहते उनको वॉटर की जरूरत नहीं है उनको खाने की जरूरत नहीं उनको कोई ऐसा सर्वाइवल की जरूरत नहीं है वो वहां पे यहाँ जैसे टेबल है ये पड़ा हुआ है तो ये पड़ा रहेगा अभी चाहे इसके ऊपर बारिश गिरा दो इसको तुम नदी में बहा दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर यही अगर लिविंग थिंग होता तो ऑब्वियसली वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता कुछ तैरता कुछ पैर मारता कुछ तो भी तो करता एंड फाइनली वेरी ऑब्वियस थिंग कि लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो आगे अपनी जो offspring है उसको आगे ला सकते हैं जनरेशन जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स तो ये नहीं कर सकते तो ये सारी चीजें एक्चुअली हमें मालूम है बट इतना सिंपल सवाल था कि इसका आंसर देने में एकदम हो जाती है कि अरे इसका आंसर क्या होगा तो ये सारी चीजें जिससे हमें एकदम मोटा माटी पता चल जाता है कि भाई लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है राइट right? तो बेसिकली ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर एक लिविंग बीइंग को जिंदा रखती है वो सब लाइफ प्रोसेस होते होते हैं ऐसी कौन सी कौन सी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस का ऐसे अगर हम वर्ड भी देखें लाइफ प्रोसेसेस तो सिंपल समझ आता है कि भाई जिंदा रहने के लिए हम जो प्रोसेसेस करते हैं उसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं सिंपल सी बात है जो भी चीजें सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड वगैरह की बात करें तो उसी सब 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 से सब सबसे पहले जाता है हम न्यूट्रिशन लेते हैं फूड के माध्यम से खाने के माध्यम से हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बाद हम सांस लेते हैं हम रेस्पिरेशन करते हैं हम इधर उधर मूव कर सकते हैं हम कहीं जा सकते हैं खेल कूद सकते हैं हम सब कुछ चीजें कर सकते हैं यानी कि हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं उसके बाद एक्सक्रीशन होता है हमारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रही हूँ आप लोग वीडियो देख रहे हो आप लोग ये चीज समझ रहे हो ये बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दिमाग का खेम चल रहा है पूरा बेसिकली तो ये एक चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स करती है ग्रोथ एंड मूवमेंट है आप टेंथ क्लास में हो इलेवेंथ में जाओगे फिर कॉलेज में जाओगे फिर आप पूरे तरीके से ट्वेंटी वन ईयर्स में अडल्ट हो जाओगे मतलब वैसे तो एटीन ईयर्स में होता है बट प्रॉपर तरीके से ट्वेंटी वन हो जाते हैं अडल्ट तो आप अडल्टे तो पूरा आप आप खुद देखो ना आप ग्रो हो रहे हो आप, move, आप आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उसके अलावा रिप्रोडक्शन भी हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो करते हैं तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ इंसान ही नहीं सारे जानवर या फिर प्लांट्स भी ये सारी प्रोसेसेस करते हैं जिंदा रहने के लिए अगर हम इनमें से कुछ भी एक चीज ना करें तो देखो कैसे सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आ जाता है कोई भी चीज अगर इनमें से नहीं मिलेगी ना तो डायरेक्टली सर्वाइवल पे उंगली उठ जाएगी अब

Nutrient, क्योंकि जो फूड है वो तो हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं पर जो बॉडी है वो तो ऑब्वियसली उसको बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के जो एकदम बॉडी की आवश्यकता है वो न्यूट्रिएंट बॉडी को पहुंचा देती है और बाकी सब जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो ये सब हम रेस्पिरेशन से कर पाते हैं उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है हमने नाइन्थ क्लास में भी भी पढ़ा था कि ब्लड वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ऑफ़ ग्लूकोज फिर न्यूट्रिएंट्स विटामिन ये सारी ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम ब्रेन टू लेग्स लेग्स टू ब्रेन हार्ट जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे ब्लड जो है सारी चीज़ें पहुंचाती इवन एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी जो है वो ब्लड करती है तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ अगेन लिंक हो गया रेस्पिरेशन एंड फूड से उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये सब कुछ चीज़ कंट्रोल कौन करता है हमें बात करी इस जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं बेसिकली कंट्रोल एंड कॉर्ट जो दिमाग दिमाग का काम है है ही तो ये सब करवा रहा है लोगों से हम बेसिकली जो भी सब कर रहे हैं बेसिकली वी आर ऑल बेसिकली ब्रेन लिविंग टूगेदर को एग्जिस्टिंग टूगेदर यानी एक साथ हम जो रह रहे हैं हम बेसिकली सारे दिमाग ही तो है जो एक साथ रह रहे हैं इस बॉडी के ढांचे में तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दिमाग का तो काम आई गया एंड फाइनली एक्सक्रीशन जो भी चीज़ बॉडी को नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट आउट कर देता है राइट right? तो ये सारी चीजें देखा जाए तो कितनी इंटर रिलेटेड है इसलिए तो कोई एक भी चीज अगर हम ढंग से नहीं करें तो बाकी सारे के सारे प्रोसेस जो है सारे के सारे फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप एक दिन खाना ना खाओ ठीक है एक पूरे दिन खाना मत खाओ फास्ट में भी मतलब ऐसे पूरा निर्जल व्रत रखो खाना ही मत खाओ तो आप देखोगे कि कितनी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम एकदम आने चालू हो जाती है चलो एक दिन तो कुछ नहीं होता पर तीन चार दिन आपको नहीं मिलेगा कुछ खाने को तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी एनर्जी डाउन हो जाएगी कंट्रोल ढंग से नहीं हो पाएगा ब्रेन का तो एक छोटे चीज से कितना सारा लाइफ प्रोसेस जो है लिंक होती हैं तो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको जो है और भी डिटेल में समझ आ जाए कि भाई ये सारी चीज़ें बेसिकली है क्या और मैं किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करी सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन से न्यूट्रीशन जो है ये बेसिकली प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड एंड कन्वर्टिंग इट टू टू सिंपल फॉर्म गेट एनर्जी हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स खाना रहता है बॉडी के अंदर जाके वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बाद में हमारी जो बॉडी वो एब्सॉर्ब कर लेती है और ए जो है वो देती है ए हमें मालूम है एनर्जी है तो ए वगैरह न्यूट्रिय वगैरह वगैरह से हमें मिलता है उसके बाद रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी फूड जो हमने सारा कॉम्प्लेक्स फूड जो खाया वो सिंपल इसमें कन्वर्ट हो जाता है सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और फाइनली वो जो ग्लूकोज है सेल यूज़ करके एटीपी बनाती है आईडोन ट्राइफॉस्फेट जो हमें एटीपी मालूम ही है माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एटीपी पावर हाउस ऑफ द सेल नाइन्थ में हमने पढ़ाता है ना भूल तो नहीं किया नाइन्थ का तो ए में जो है वो हमें देती है फाइनली हम जो सारा एनर्जी यूज कर रहे हैं मैं भी जो बात कर रही हूँ आप जो वीडियो देख रही है सब एटीपी के कारण ही हो पा रहा है बिकॉज हमारे में एनर्जी है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ब्लड जो है वो फूड हो गया ऑक्सीजन हो गया सीओ टू हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए विटामिन हो गए जितनी भी चीजें हैं बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की जो आवश्यकता होती है बॉडी की ब्लड जो है वो इधर के उधर ट्रांसपोर्ट कराता है सारी चीजों को सारे खाने को न्यूट्रिय को उसके बाद एक्सक्रीशन जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है यानी कि सेल की एक प्रोसेस है मेटाबॉलिक प्रोसेस है टू रिमूव किसको निकालने के लिए हार्मफुल चीज़ों को जो कि हमारे लिए हानिकारक है ऐसी हानिकारक चीज़ों को निकालता है जो हमारे बॉडी का एक बाय प्रोडक्ट होता है वाइल डूइंग ऑल दी अदर एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल CO2, CO2 हमें नहीं चाहिए तो हम सांस जो वापस छोड़ते हैं वो CO2 छोड़ते हैं CO2 हो गया बाद में यूरिया हो गया उसके बाद यूरिक एसिड हो गया ये सारी चीजें जो बॉडी खाने को एब्जॉर्ब जब करती है तब ये सब चीज़ें वो बॉडी निकालती रहती है हम और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम पूरे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे बट बेसिकली समझने की बात ये कि बॉडी जो है ये जब फूड को एब्जॉर्ब करती है तो ये यूरिया यूरिक एसिड सीओ टू ये सब चीज़ें उनके बाय प्रोडक्ट्स जो है वो बनते रहते हैं और ये सब चीज़ें हानिकारक होते हैं अगर ये बॉडी में ज़्यादा देर तक रहे तो तो इसलिए बॉडी खुद इसको निकाल देती है एक्सक्रीशन के माध्यम से। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी होती है फिर ग्रोथ एंड मूवमेंट होती है जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है अगर हम यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ नहीं होती हमारी मूवमेंट नहीं होती हम सिर्फ एक जगह पे बैठे रहते तो कितना डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए सर्वाइव करना और ओवरऑल हमारी जो लाइफ है उसको मेंटेन करना फाइनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे हार्मोन्स जो हैं क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं सब हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है हम जो ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू हार्मोन्स हो रहा है सब कुछ तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है जो कि है ब्रेन ऑब्वियस है वॉलेंटरली एक्शन इनवॉलेंटरली एक्शन सभी कुछ ब्रेन करता है और इतनी सारी चीजें वो कंट्रोल करता है विदाउट हमें भनक भी हुए उसके बाद रिप्रोडक्शन ताकि लाइफ अर्थ पे बनी रहे और आगे की जनरेशन आती रहे लिविंग बींग्स जो है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं आगे की जनरेशन को जो है पैदा करने में तो ये सारी चीज़ें जो है हम करते हैं एंड ये मेजर लाइफ प्रोसेस जितने भी है उसकी एक डेफिनेशन थी अब हमने पहले भी ये चीज़ देखी है नाइन्थ क्लास में लेकिन फिर भी एक सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी सेशन है तो यहाँ पे हम वापस इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि भाई हमने पहले भी कुछ ऐसे चीजों को बांटा था सेल्स को हमने बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल सेल या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो वो हमने बांटा था यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेलुलर तो एक फास्ट हम रिविजन कर लेते हैं उसके बारे में क्योंकि ये चीज आगे एक्चुअली आएंगी हमें इस चैप्टर में भी इसलिए फटाफट देख लेते हैं तो यूनिसेलुलर के पहले मैं बात करूंगी यूनिसेलुलर जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे जैसे बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो सारा वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है उनके पास कोई बहुत ही मल्टी लेवल या फिर बहुत सारी सेल्स नहीं होती एक सिंगल सेल होती है बैक्टीरिया डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एबसेंट होता है क्योंकि उसमें एक ही सेल है क्या डिवाइड करेंगे वो तो एक ही सेल है एक ही सेल सब कुछ काम कर लेती है उसमें उसके बाद ड्यू टू वन सेल उनका जो लाइफ स्पैन है वो काफी शॉर्ट होता है बहुत ही कम समय के लिए वो जीवित रहते हैं और ये ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का प्रयोग करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रयोग ये नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई ऑर्गन या फिर गैमिट्स ऐसी चीज नहीं होती है ऑब्वियसली इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड वायरसेस दूसरी चीज में हम बात कर लेते हैं मल्टी सेल्युलर मल्टी जो है ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं बहुत सारी सेल मिल के जो ऑर्गेनिज्म बनाता है वो मल्टी सेलर है हम डॉग्स कैट्स एनिमल्स प्लांट्स हम सारे मल्टी सेल्यूर ऑर्गेनिजम्स का ही पार्ट है उसके बाद जितनी भी सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है उन सबको एक साथ रखा जाता है एक अलग टिश्यू बनाया जाता है फाइनली ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं तो इसमें प्रॉपरली डिवीजन ऑफ लेबर होता है एंड सिमिलर सेल्स आर ग्रुप टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इतने सारे सेल्स होने के कारण ये बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ स्पैन जो है जी पाती है मल्टी सेल्यर ऑर्गेनिजम्स और इनका इनकी जो जीविका होती है जो लाइफ स्पैन रहती है वो काफ़ी लंबी रहती है लॉन्ग होती है उसके अलावा जैसे यूनिसेलुलर में सिर्फ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे ऐसा नहीं होता हमारे बारे में भी आप जानते ही हो कि हम सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं प्रयोग करते हैं और कुछ कुछ मल्टी सेल्यर ऑर्गेनिजम्स ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं हमारे में दोनों हम कर सकते हैं मतलब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में दोनों कर सकते हैं लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म हम सिर्फ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही कर सकते हैं बिकॉज हमारे में वो गैमिट्स और उस टाइप के ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मौजूद हैं दैट्स वाई उसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल है मल्टी सेल्यर का वो है ह्यूमन बींग्स बर्ड्स एनिमल्स डॉग कैट्स जितने भी हैं सारे एनिमल्स वो सभी मल्टी सेल्यर का ही एग्जाम्पल है फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस भी हमने सेल्स को दो तरीके से डिवाइड किया था वो था प्रो कैरियोटिक सेल्स एंड यू कैरियोटिक सेल्स प्रो कैरियोटिक सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर सेल्स हैं तो जितनी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको दिखते हैं वो सभी प्रो कैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रो कैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है वो बहुत ही नॉन डेवलप्ड या फिर अनडेवलप्ड अं न्यूक्लियस जो है वो रहता है न्यूक्लियर रीजन जो है ये विदाउट एक मेम्ब्रेन होता है जिसके वो अपने अंदर ही घूमता रहता है सूप के तरह न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रीजन जो है जो, जिसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो इसमें एब्सेंट रहते हैं यानी कि मैंने जैसे कहा था सेल के ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं और सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होता है क्योंकि वो मेम्ब्रेन से ही बनता है इनमें वो नहीं रहता है अगेन प्रोकेरोटिक सेल्स का एग्ज़ाम्पल है बैक्टीरिया वायरसेस यू कैरोटिक सेल जिसको हम ट्रू सेल्स भी कहते हैं इसका एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये बहुत ही अच्छे से वेल well डेवलप्ड इनका न्यूक्लियस रहता है न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इनमें मौजूद रहते हैं हमारे सेल के अंदर वेरियस प्रकार के ऑर्गेनल्स जो है वो रहते हैं इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस, बर्ड्स डॉग्स कैट्स एंड जो भी हायर एनिमल्स है वो सारे अब बात कर लेते हैं डिविजन ऑफ लेबर क्या था तो जैसे पहले भी क्लासेस में हमने देखा था बट यहाँ पे एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं बट डिवीजन ऑफ लेबर ये था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है उन सबको एक साथ रखा जाता है उन सबको एक ही ग्रुप किया जाता है एंड फाइनली एक टिश्यू बनाया जाता है और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म फाइनली उससे बनता है फॉर एग्जाम्पल जो सेल्स रिप्रोडक्शन में काम करते हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेल्स काम करती है वो कल को डाइजेशन तो नहीं कर पाएगी ना क्योंकि वो उस तरीके से डेवलप ही है कि भाई वो आगे रिप्रोड्यूस ही कर पाएगी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही वो सेल्स होती हैं वहीं दूसरे तरीके से अगर रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं जो हम सांस दे रहे हैं हमारे लेंग लंग्स में जो सेल्स हैं वो कल को स्टमक में तो जाके डाइजेशन का काम नहीं कर सकती तो इसको हम डिविजन ऑफ लेबर कहते हैं कि भाई जो सिस्टम में जो सेल्स हैं वो सभी ग्रुप टूगेदर की की गई हैं उनमें एक अलग टिश्यू बनाए गए हैं और वो वही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकती है जो वो ऑर्गन सिस्टम जिसके लिए है फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्टिव सेल्स है तो रिप्रोडक्शन कर सकती है डाइजेस्टिव सेल्स डाइजेशन कर सकती है। इस तरीके से डिविजन ऑफ लेबर होता है सेल्स सारे ग्रुप होते हैं एक साथ टू फॉर्म टिश्यूज टिश्यूज एक साथ ग्रुप होते हैं टू फॉर्म टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम्स एक साथ ग्रुप होते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स ऑर्गनस एक साथ ग्रुप होते हैं टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे जब अच्छे से प्लेस होते हैं तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और हम सभी एग्जाम्पल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स टिश्यूज ऑर्गन्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही फंक्शनल और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो बच्चा यहाँ तक जैसे हमने हमारी क्लास थी इंट्रोडक्शन की मैंने जैसे आपको बोला कि छोटे छोटे वीडियोस जाएंगे ताकि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए और आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा लोड ना हो क्योंकि ये जो बायो है ये समझना थोड़ा सा लोगों को तो डिफिकल्ट भी चला जाता है तो आपको फटाफट ईजी वे में समझ आए इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोज बनाएंगे इसके आगे हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे न्यूट्रिशन में हम सारी टाइप्स ऑफ़ न्यूट्रिशन देखेंगे वहां से आपका आपको यहाँ तक पूरी अच्छे से समझ आ गया है पार्ट टू जल्दी ही आएगा और आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ ताकि फटाफट आप न्यूट्रिशन वगैरह का जब चालू होगा आपके स्कूल में टॉपिक आप फटाफट ये वीडियो देख सकते हैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कीप स्टडी कीप लर्निंग हैप्पी स्टडी हैप्पी लर्निंग और आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कोई डाउट है तो बताइए सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल्स एंड कीप ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज